हेलो व्हेन यू वाचिंग क्लैपट्रैप यू बैक अगेन। टुडेज वीडियो इज़ वेरी स्पेशल। हाईलाइट से शुरू करते हैं। वेरी इमोशनल जर्नी फॉर अस। आई गॉट कनेक्टेड विद द सिटी एंड द पीपल। रास्ते में रूरल ब्यूटी जो थी, वो गांव की खूबसूरती, वो इट वाज अ स्प्लेंडेड। आई जस्ट फेल इन लव। सेकेंड इज दी वी विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द पोर्सलिन, बोन चाइना एंड सेरेमिक प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क होता है, कौन से वो प्रोडक्ट हैं जो कि सॉर्टेड होके, यानी कि वहाँ से फ़िल्टर होके बी ग्रेड होते हैं, सी ग्रेड होते हैं और वो बड़े शहर की सड़कों के किनारे मिलते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो जो नए लॉन्च हो गए हैं। 5 मिनट में इंट्रोडक्शन करेंगे, 5 मिनट में मेकिंग करेंगे, लास्ट के 40 मिनट्स में आपको लगभग 400-500 प्रोडक्ट दिखाएंगे। लेट्स बिगिन दैट पार्ट नाउ। आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस वीडियो। हाईलाइट्स आर ओवर, बिगनिंग दी मेन पॉइंट नाउ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कंपनी का नाम क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी का नाम DNF सिरेमिक्स है हमारी जी। हमारी कंपनी बहुत पुरानी है जी, और खुर्जा में सबसे पहले जो काम शुरू हुआ था वो हमारे परदादा से शुरू हुआ था। अच्छा। तो हमारा जो ये काम चल रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। अब जो जनरेशन चल रही है वो मतलब 6th generation चल रही है। इतना पुराना हमारा काम है। अच्छा। तो अभी मैंने पहले हमारा काम जो था नेशनल पॉटरी के नाम से था, जो हमारा दादा इलाही है, अभी हमने इसको चेंज करके DNF सिरेमिक कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट। अब तो क्योंकि बहुत सारे नए प्रोडक्ट रेंज भी इंट्रोड्यूस हो गए, इतनी जनरेशंस निकल गई, इतना टाइम निकल गया, तो आपने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखा था। पहले खुर्जा में लाल मिट्टी का काम हुआ करता था जब हमारे यहाँ पूर्वज काम करते थे। अच्छा। अब उससे होते 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 अपग्रेड होते होते हमने सिरेमिक पर आ गए, और आज की क्वालिटी जो आ रही है वो इस टाइप की आ रही है। अच्छा। ये पहले कभी क्वालिटी खुर्जा में बनी ही नहीं थी। ओके। यानी कि वो जो कन्वेंशनल पुराने स्टाइल के अचार रखने के डब्बे या फिर वो प्लांटर्स बनते थे, उससे बढ़ के अब हम डिज़ाइनर पे हो गए। जी, अब हम डिज़ाइनर पॉट्स पे भी आ गए हैं, डिज़ाइनर होम डेकोर एसेसरीज पर आ गए हैं, एंड प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं पिछले सालों के कंपैरिजन में। अच्छा। दोनों तरह से, मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में भी और क्वालिटी में भी, या सिर्फ क्वालिटी में? नहीं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड क्वालिटी दोनों में इसका डेवलपमेंट का असर पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रिलेटेड है, और एक साथ में इन्फॉर्मेशन भी मुझे आपसे चाहिएगा। पहले वो इन्फॉर्मेशन वाली बात कि पोर्सलिन में और सेरेमिक में क्या फ़र्क है। पोर्सलिन एंड सेरेमिक में ये फ़र्क है, जो इसका पोर्सलिन की थिकनेस बहुत कम होती है। अच्छा। लाइट वेटेड होते हैं वो? जी, पोर्सलिन लाइट वेटेड भी होते हैं एंड उनकी थिकनेस बहुत कम होती है। और जो सेरेमिक होता है हमारा, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो पोर्सलिन थोड़ा फाइन होता है, वो होम डाइनिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। और जो रेगुलर यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमारा होम डेकोर, इसमें ज़्यादातर सेरेमिक यूज़ आता है। ठीक है। और बोन चाइना एक थर्ड मटेरियल लोग हैं जो सुनते हैं, वो क्या होता है? बोन चाइना थर्ड मटेरियल है, उसमें बोन में उसकी जो सिरेमिक, उसमें जो लिक्विड होता है उसमें बोन मिलाई जाती है, इसलिए उसका नाम बोन चाइना कहते हैं। और वो किसके ऊपर यूज होता है, सिरेमिक के ऊपर कि ये पोर्सलिन पे? होता है पोर्सलिन एंड सिरेमिक एंड बोन चाइना, तीनों एक अलग थिंग है। अच्छा। ओके ओके। तो हम वो नहीं बनाते, हम सिरेमिक बनाते, हम ओनली सिरेमिक बनाते हैं। ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप प्रोडक्ट रेंज अगर बात करें जी, तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आप बनाते हैं? जो हम देखिए बनाते हैं सिरेमिक प्लांटर्स, सबसे स्पेशलाइजेशन हमारी है सिरेमिक प्लांटर्स, पॉट्स एंड प्लांटर्स, इंडोर प्लांटर्स, आउटडोर प्लांटर्स, और हर साइज के, हर डिजाइन के। वो भी हर साइज एंड डिजाइन के, हर साइज के बनाते हैं हम। और अपना हमारा जो 20 रुपीज से पीस स्टार्ट होता है प्राइस रेंज। अच्छा। और वो 20,000 तक भी जाता है। इतने बड़े प्लांटर्स भी हम बनाते हैं। ओके। मिनिमम साइज क्या होता है एक प्लांटर का? मिनिमम साइज हमारा 2x2 से स्टार्ट है, 2 इंच बाई 2 इंच। ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जैसे कि ये है, ये yes. ये छोटा सा एक प्लांटर है, ये है जो हमारा, इससे भी छोटा कुछ है? इससे भी छोटा हमारे पास पड़ा है। अच्छा। आपको मिल जाएगा। ओके। और मैक्सिमम क्या साइज जाता है इसका? मैक्सिमम साइज हमारे पास 50 इंच तक का साइज। ओके। तो एक रेंज हो गया प्लांटर्स का, प्लेन, डिजाइनर और ये सब। दूसरा रेंज हमारा टेबलवेयर, होम डेकोर, वाजेस, ये सब रेंज हमारा जाता है। ओके। क्रॉकरी में जो होता है होटल वेयर के सामान आता है, हम होटल वेयर का भी करते हैं, जैसे 5-star होटल्स में हमारी सप्लाई जाती है। अच्छा। इनडायरेक्टली। ओके ठीक है, ऑलराइट। सो और क्रॉकरी में आप क्या क्या बनाते हैं? क्रॉकरी वेयर में बाउल्स बनाते हैं हम, सूप बाउल्स बनाते हैं, कप्स बनाते हैं, एंड एसेसरीज बनाते हैं, ताजीन बनाते हैं, बेकिंग डिश बनाते हैं, प्लेटर्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें। ओके ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड फॉर द फैक्ट्री और दी गो डाउन वेयर एवर। अभी हम जहाँ बैठे हैं, व्हाट इज दिस प्लेस पर्टिकुलरली? दिस प्लेस इज अवर डिस्पैच डिपार्टमेंट। ओके। यहाँ ये हमारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है। ठीक है। और
हमारा यहाँ पे जो पैकिंग का सिस्टम होता है वो पूरा होता है, ठीक है, एंड यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा दूसरा है, अगर आप विजिट करना चाहें तो ज़रूर हम आपको। श्योर श्योर, डेफिनेटली। डीएनएफ सेरामिक्स के अभी हम डिस्पैच डिपार्टमेंट में, नाउ वी विल गो टू, वी विल, आई एम एक्साइटेड टू सी द प्रोसेस, ये बनता कैसे। कोशिश करेंगे क्विकली हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे ये बनते हैं, उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट देखेंगे हम, और फिर बाद में बात करेंगे आपसे कि इनको कैसे परचेज करना है, करेक्ट? जी करेक्ट। ठीक है, चलिए फैक्ट्री चलते हैं अभी। ओके, तो फैजन भाई अब हम आ गए फैक्ट्री में। जी बिल्कुल। और ये बड़ी हमारी क्यूरोसिटी, हम जाने कि एक बार जानना चाहते थे आपसे कि ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता कैसे है, बनता कैसे है, वो एक बार हमें बता दीजिए। मतलब आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो फटाक से समझ गए। आपको मैं चाह रहा था कि एक जरा सा लिक्विड दिखा दें क्विकली, एक मोल्ड दिखा दें, हम ऐसे चलते हैं ना, ठीक है? ओके, सॉरी, एक्चुअली बहुत बेसिक समझना था मुझे आपसे, इसलिए बताया था कि लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। बताइए, रेडी हो गया बेस? जी, ये हमारा ए ग्रेड का लिक्विड है जो कि सिरेमिक का लिक्विड फॉर्म में है। ओके, इसको हम यूज़ करते हैं अपने पीओपी के मोल्ड्स में, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेप है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है सिरेमिक का। अब सेकंड स्टेप पे चलेंगे हम लोग, चलिए जी। एंड देन स्टेप टू, ये हमारे पीओपी के मोल्ड्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली ये डाई कहलाती हैं। अच्छा, और इन डाई में हम वो लिक्विड जो हम बनाते हैं सिरेमिक का जी, वो इसमें फिल करते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है पीस वाइज के। फॉर एग्जांपल ये जो मोल्ड है ये प्लांटर का है, हैं? ये प्लांटर का मोल्ड। ओके, ये प्लांटर का डाई है, एंड देन वी पुट इन द लिक्विड इन दिस। हां, ओके, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये भर गया पूरा फिल। आफ्टर फिलिंग, हां, दिस इज लुक लाइक इन द शेप, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स वी विल टर्न दिस आउट। अच्छा, ठीक है, वो हमको ही देख लें, रेडी हमारे पास निकला हो, और फोर्थ स्टेप में जो है वो देख लेते हैं अभी। और ये हमने वो मोल्ड को जिसके अंदर लिक्विड था उसको रिवर्स कर दिया, उसको है, पलट कर। अच्छा, उसकी इसके ऊपर से फिनिशिंग की जाती है। अच्छा, डाई की, ताकि वो एक्स्ट्रा मटेरियल सारा निकल जाए, एक्स्ट्रा मटेरियल निकल। ओके, ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ से जब वो फिनिशिंग हो गए, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फिफ्थ, इसको ड्राई करते हैं। स्टेप नंबर थ्री, ओके, इसको ऐसे थोड़ा सा हवा लगाते हैं ताकि ये ज़्यादा मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, उसके बाद हम ऐसे इन्हें रॉज में लगा देते हैं। अच्छा, ये कैबिन्स हमने इनके लिए बनाए हुए हैं, इसमें ये सूखता रहता है। उसके बाद सारे पीसेस सूख जाते हैं, तो वन बाय वन हम उन्हें फिनिशिंग के लिए उतारते रहते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद फिनिशिंग होती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है फिनिशिंग का, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है जिसमें हम फिनिशिंग करते हैं ना। यस, तो जो एक्स्ट्रा एजेज होते हैं उनके जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उनको निकाल देते हैं, वो यहाँ फिनिश हो जाता है। अच्छा, ये रेडी हो रहा है ग्लेजिंग के। एंड नेक्स्ट स्टेप सर, ये ग्लेजिंग प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद ग्लेज होता है सारे प्रोडक्ट। तो ये भी एक तरह का केमिकल का लेयर है जो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ग्लॉसी लेयर होता है जो कि सिरेमिक के ऊपर लास्ट में आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज होने के बाद दिखता है। ओके, और कलर्स वगैरह कब ऐड होंगे नेक्स्ट है आगे इसके? ये ग्लेजिंग इज द कलर। अच्छा, फॉर द सिरेमिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये क्या कलर है अभी जो ग्लेज में दिख रहा है? अब ये जो ग्लेज हो रहा है ये हमारा रेड कलर हो रहा है। तो लेकिन अभी नहीं दिख रहा है ये रेड, ये पकने के बाद हमें दिखेगा। अच्छा, चलिए तो नेक्स्ट लेवल स्टेप देखते हैं जी। ग्लेजिंग होने के बाद जो प्रोसीजर आता है भट्टी में माल जाने का आता है। अच्छा, और ये हमारी पूरी हमारी एक ट्रॉली होती है, टनल। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, ये पूरी भट्टी हमारी टनल कहलाती है, और इसमें ये जो ट्रॉलीज होती है इन पे माल लगाया जाता है। अच्छा, इसको फिर 1100 डिग्री सेल्सियस में लगाया जाता है। आप ये दिखा दें भाई सर, ये पूरी टनल है हमारी, और ये मेन जोन होता है टनल का जहाँ माल पकता है। ओके, इसके अंदर 1100 डिग्री का सेल्सियस या कुछ पीसों को 1100 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस में डाला जाता है। अच्छा, आप इधर आए। ओके, यानी कि ये लोड होने के बाद में ट्रॉलीज के थ्रू टनल में जाता है जिसमें 1100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। यस, ऐसे ही ये गाड़ियां यहां से इसमें अंदर जाती हैं। ये अभी अंदर जाने के लिए तैयार है, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ऐसे छोटे छोटे डिब्बे अंदर जाते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी साइड से बाहर निकलते रहते हैं। ओह, अच्छा, पूरा एक मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक टनल है यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। चलिए उधर चल के देखते हैं जो निकल के आता है। और अब हम आ गए टनल के दूसरे एंड पे जी। फैजन भाई, अब हम आ गए दूसरे एंड पे, और ये टनल का, दिस इज द अदर साइड ऑफ द टनल, ये दूसरे एंड पे माल टनल का बाहर निकलता है, जो पका हुआ माल होता है वो अच्छा, बाहर निकल कर आएगा। ओके, ये पीसेस अभी 1100 डिग्री टेम्परेचर से निकल कर आ रहे हैं। हाँ, और ये अभी ये बहुत गर्म है। ओह, ओके, सो ये पूरा का पूरा अब फाइनल हो गया है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फिर बस पैकिंग इसकी बाकी है। uh-huh. उसके बाद ये रेडी टू यूज प्रोडक्ट बन गया। ऑलराइट, तो अभी तो ये बहुत गर्म होगा। अभी तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, हम इसे छू भी नहीं सकते। ओके, ठीक है, तो हमने एक पूरा प्रोसेस समझ लिया, लिक्विड पे मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद में फिनिशिंग, फिर ग्लेज की पॉलिशिंग, उसके बाद में इसका जो बेकिंग है जी। बेकिंग इज द राइट वर्ड आई गेस, सही वर्ड है। और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। ओके, जो एंड यूजर के पास जाता है। ओके,
कूल ठीक है, सॉरी आपको इसके इतनी गर्मी में खड़ा किया, बहुत गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली बनते कैसे हैं। ये पूरा ए टू जेड प्रोसीजर है जो हमने आपको बताया, जी आपको बताया, और सारे प्रोडक्ट चाहे वो क्रॉकरी चाहे कैसा भी प्रोडक्ट हो, सेरेमिक प्रोडक्ट बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा। ओके ठीक है, ये जो हमने ग्लेजिंग किया था आपके सामने, ये वो प्रोडक्ट है जो हमने रेड में बताया था, इसका ऑलिव ग्रीन प्रोडक्ट हमारा रेडी में है जी। और ये ऑलिव ग्रीन प्लेट जो भी हमने ग्लेजिंग में दिखाई थी, ये ऐसे बन के रेडी हो गया। यस चलिए ठीक है, अब हम कुछ और फाइनल प्रोडक्ट आपके साथ देखते हैं। ठीक है, तो फैजान भाई हम आ गए लोकेशन नंबर 3। अभी हमने कुछ फैक्ट्री में मेकिंग देखा था इस सारे प्रोडक्ट का, अब हमें क्विकली बता दीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या उनका प्राइस है, कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा गोदाम है, यहाँ पे हमारी सारी इन्वेंटरी जो भी हमारे प्रोडक्ट की रहती है जी सब मौजूद रहती है। ओके और सब प्रोडक्ट सीरीज वाइज लगाए जाते हैं। ऑलराइट ठीक है जी, तो आप मुझे कुछ प्रोडक्ट और उनके प्राइस बता दीजिए। आई अंडरस्टैंड सबका बताना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जितना मैक्सिमम है अरसलान ये आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। ओके अस्सलाम वालेकुम जी सर। सो अजलन आपको पता है ये सारे प्राइजेस का? हाँ ज़्यादातर सभी का पता है, बाकी और ऐप पर दे रखे हैं रेट हमारे। अच्छा हाँ। इन केस कोई प्राइस वेरिएशन हो तो आप ऐप के थ्रू देख सकते हैं, बिकॉज ये हमारा सारा कुछ अवेलेबल है। अच्छा ये पॉसिबल नहीं होता कि सारे प्राइस याद रख पाना है ना? ठीक है सारे आइटम है। ओके ठीक है, तो आप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहीं से ही ले लीजिए आप जी, ये आपका 108 की रेंज में आता है ये सारा। ओके एक एक पीस मुझे क्विकली दिखा दीजिए। ये देखिए ये होता है। अच्छा ये 108 की रेंज में है, ये प्लांटर है। हाँ ठीक है, और ये दूसरा ये भी वही है, ये okay. भी उसी रेंज में आता है। ओके ठीक है, आउटडोर इंडोर सकुलेंट्स और किसी भी तरह के प्लांट्स के 108 मतलब 108 रुपए का। हाँ। ये छोटा सा क्यूट सा एक एलिफेंट है, ये क्या रेंज का? हमारा इंडोर प्लांट में आता है ये बेबी एलिफेंट है। ओके इसका 58 की रेंज में आता है, 58 रुपीज का है ये। ठीक है ठीक है, ये भी प्लांटर है, ये भी प्लांटर है। ओके इसका मैं दिखा देता हूं, कलेक्शन बहुत बड़ा है, मैंने पूरा रिवील नहीं किया है बिकॉज़ सरप्राइज खत्म हो जाएगा। ओके ये क्या रेंज में प्लांटर? ये आपका 78 है। ओके ठीक है, ठीक है। मैं यूटिलिटी नहीं बताऊंगा इसकी, पीपल अंडरस्टैंड, सबको पता होता है ये अवेलेबल है अलग अलग कलर्स में जी। ऑलराइट ये वाले कलर मुझे बता दिए, ये क्या रेंज में? ये वाला ये आपका मिलेगा, ये भी 78 की रेंज में। ओके ठीक है ठीक है। ओके ये लगभग 8 इंचेस के आसपास है, ये 8 इंचेस के आसपास। ऑलराइट और राइट ये देखिए, हम लेफ्ट राइट करते हुए जाएंगे, बाद में उस तरफ चलेंगे। ठीक है आप मुझे बताते जाइए, ये वाला आपका 58 की रेंज में है। ओके ठीक है, काफ़ी सारे इसमें पीसेज आपके पास अवेलेबल हैं, ये भी उसी रेंज में आता है 58 के रेंज में। ठीक है ठीक है जान। ऑल राइट अब हम थोड़े कलरफुल इस पर। ओके ये 48 की रेंज में आता है आपका। अच्छा ठीक है ठीक है, ये वाला आपका 68 की रेंज में आता है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। हाँ इससे थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें थोड़ा ग्लेज कम है, थोड़ा मैट फिनिश, ये मैट फिनिश है। ओके ठीक 68 रुपीज़। हाँ इसमें मैट फिनिश भी है, ग्लॉसी भी है। अच्छा ग्लॉसी भी है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये ग्रीन, ये वाला ये क्या रेंज में? ये वाला आपका आ जाता है 48 की रेंज में। ओके ठीक है, ये भी मैट फिनिश में ग्लॉसी में दोनों तरह दोनों मिल जाएंगे इसके। ठीक है और स्क्वायर शेप के भी हैं यहाँ पे। हाँ ये स्क्वायर भी है, ये वाला ये आपका 78 की रेंज में आता है। ओके ठीक है ठीक है, और ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए और ऑफिस के लिए बहुत अच्छे आइटम्स हैं। लोग इनको प्लांट्स लगा के आजकल टेबल टॉप प्लांटर भी इनको यूज बोल सकते हैं। एक ये दिखाइए, ये क्या चीज़ है, थोड़ा यूनिक सा, ये क्या है? ये प्लांटर टेबल टॉप प्लांटर है। अच्छा ओके इसको स्टोन के नाम से बोलते हैं। अच्छा एक्चुअली ये 3 लेवल ऑफ स्टोन है, ये क्या रेंज में? ये आपका 118 की रेंज में है। ओके ठीक है, तो जब तक आप हमें प्रोडक्ट दिखा रहे हैं मैं बता दूं कि आजकल शादी में और इवेंट्स में जब भी होते हैं तो लोग रिटर्न गिफ्ट में प्लांट्स देते हैं, तो वो बल्क में आपसे खरीद सकते हैं। ठीक है, वी गो टू द अदर वन नेक्स्ट, आगे देखें। ठीक है, हालांकि नीचे बहुत है, मुझे थोड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा। लेट मी रिवील दिस, मैं सोच रहा था कि सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे, ये देखिए इतना कलेक्शन है पूरा। ओके वील गो लिटल फर्दर, बट ये बड़े वाले मुझे बता दिए, ये कितने का है? ये ऐसे आप निकालिए होंगे मत, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैं सारा के सारा दिखाना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसे उंगली रख के बताते जाइए। ये वाला ये 2 पीस का सेट है। ओके ये 199 की रेंज में आता है। ऑलराइट मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। वो कितने का है वो पीछे? ये वाला ये आपका 178 की रेंज में, ये 1 पीस है। अच्छा ये वाला, ये दोनों सेम है। ओके सेम है, क्या प्राइस है इसका? ये 178। अच्छा ये देख रहे हैं गंदा हो रहा है, क्रैक्स नहीं है, यही फर्क होता है, वो थोड़ा धूल मिट्टी। हाँ धूल मिट्टी की वजह से वॉशेबल होते हैं ये। ये भी सेट ऑफ 2 है, ये कितने का है? ये आपका 158 का है। ओके ये जो ये वाला आपका ये 78 की रेंज में आता है। ओके ठीक है ठीक है,
ऑल राइट। और ये वाला कलरफुल जो है ये आपका ये भी 78 की रेंज में आता है। एंड दिस वन ये 68 की रेंज में आता है। ठीक है, आपको तो एक्चुअली सारे प्राइस याद हैं। हाँ, ज़्यादातर सब याद है। आप मुझे ये दिखा दीजिए, थोड़े डिफरेंट है। हाँ, ये ट्रे शेप में है। ये थोड़ा जो लोग बोनसाई बनाने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए, थ्री पीस का सेट है। ये 299 का सेट है। ओके ठीक है, 299 में तीन पीस मिल जाएंगे। ठीक है, वाओ। और ये फिर कुछ और प्लांटर्स है ग्रे एंड वाइट में, ये वाला आपका आ जाता है 129 की रेंज में। वेरी एलिगेंट, बहुत प्यारा पीस है ये। ग्रे एंड वाइट इज माय फेवरेट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा है। नहीं, ब्राउन वन जो है ये डॉटेड है। हाँ, ये डॉटेड है। ओके, ये ग्लॉसी और मैट दोनों में मिल जाता है। अभी फिलहाल में ग्लॉसी है। हाँ, मैट में भी मिलता है। ये कितने का? 149 की रेंज में। ठीक है, एंड दिस ब्राउन वन ये कितने का है? ये सारे क्या रेंज में? ये वाला आपका आ जाता है, इसका मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, नो प्रॉब्लम, ऐप के थ्रू पता करा सकते हैं। एक एवरेज प्राइस अंदाज से इसका 149 के आसपास होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो डोंट, मतलब इनको बोलेगा मत कि आपने गलत बताया, क्योंकि इतने प्रोडक्ट का प्राइस याद रखना मुश्किल होता है। नाउ दिस वन, ये मुझे मैंने अभी वहाँ हमने फैक्ट्री में भी देखा था ये बनते हुए। और ये आपका 99 की रेंज में आता है। ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ये हैंगिंग प्लांटर है। ओह ओके, किसको ऐसे हैंग कैसे करेंगे इसको? ये इसका ऊपर से हैंग होता है। ओह ओके, ऊपर से रस्सी डाल के, थ्रेड डाल के बांध सकते हैं इसको। हाँ, ये बांध सकते हैं। ओके, आपका हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये रख दीजिए, मैं एक ही लूंगा मेरे बिल में। मैंने कुछ जो खरीदना है वो मैं हम शॉर्टलिस्ट करते जाते हैं। सो दिस इज दी वन, एक ही है। ये आपने कितने का बताया? 99। कुछ कम हो जाएगा? हाँ। ठीक है, ये मुझे बता दी, ये भी आई थिंक हैंगिंग है। ये नहीं, ये हैंगिंग नहीं है। अच्छा, पर हैंगिंग बना सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें वैसे कैरी बैग बोलते हैं इसको। अच्छा, दो इसमें वो आएगा, रस्सी आएगा। हाँ, दो रस्सी आएगा। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। इसको हैंगिंग भी बना सकते हैं। कितने का है ये? आपका 42 की रेंज में आता है। ओके ठीक है, ठीक है। सो दिस वन, ये मुझे दिखा दीजिए। ये देखिए आप, ये आपका 48 की रेंज में आता है। 48 रुपीस का है ये। ठीक है, एक ये भी मुझे दे दीजिए आप, है ना, मेरे लिए रखते जाइए। ठीक है, और ये फिश दिखा दीजिए मुझे। ये आपकी वेल फिश है। हाँ, ये 99 की रेंज में आता है। ओके ठीक है, और यहाँ पे कुछ कलरफुल हैं, ये थोड़े डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। हाँ, ये थोड़े डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। इसमें से मुझे कुछ दिखा दीजिए। जी, इसमें से मैं आप इसका ये दिखा देता हूँ मैं। ये टर्टल है। अच्छा, ओ वेरी नाइस, ये कितने का होगा? ये आपका 89 की रुपीज़ में। अच्छा, बहुत छोटा प्लांट के लिए, सक्युलेंट्स के लिए, बहुत प्लांट्स के लिए, सक्युलेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये। जी, ऑलराइट, तो आप मुझे ये दे दीजिए। एक काम करते हैं, मीन टाइम आई एम शॉपिंग, सो दिस इज़ फॉर माय व्यूअर्स, आई एम बाइंग दीज, और मैं अपने व्यूअर्स को दूंगा ये गिफ्ट में। एक मुझे वो एक हमने ये ले लिया। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। और मुझे दिखाई इसमें कौन से हैं, तो बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, एक ये काओ है, स्मॉल काओ, एक इससे बिग भी है हमारे पास। अच्छा, ये क्या रेंज में? ये आपका आ जाता है 75 की रेंज में। ओके ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। और दिखा दीजिए मुझे फटाफट, और क्या क्या है हमारे पास? ये ऊपर रखे ना, ये दिखा दीजिए मुझे, ये ये वाला। ओह वेरी नाइस, ये रैबिट है। ओके ओके, तो आप एक काम करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मैं ही ले लूँगा। ये कितने का है? ये 99 की रेंज में। ये भी मुझे दे दीजिए एक। ठीक है, ठीक है, इसको उस तरफ रख देते हैं। हाँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये 99 रुपीज़ का है। आप रखते जाइए इसमें से निकाल के यहाँ पर ना। ठीक है, ऑल राइट, एक ये, एक ये है। ये कितने का है? ये आपका 99 की रेंज में आता है। ओके ठीक है, एक आपका ये है, ये भी आपका 99 की रेंज में आता है। हाँ, ओके, एक ये बहुत क्यूट है, ये डियर है। ओके, ये भी आपका 99 की रेंज में आता है। ओह वाओ वेरी नाइस, एंड ये फ्लाइंग हॉर्स। ओके, ये भी आपका 99 की रेंज में आता है। अच्छा ठीक है, आज हम बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। ऑलराइट ऑलराइट, ये एक ये है, ये दिखाइए, विंग का गर्ल है, फॉर गर्ल्स। ये आपकी 75 की रेंज में आती है। अच्छा, ये 75। जी ठीक है, और ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये वही वाला रैबिट है, इसके कलर्स आते हैं अभी। ओके, एक दो कलर और हैं। ठीक है, वेरी नाइस, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हम ले लेंगे, प्रेफरेबली 3-4 में इसमें से ले लूँगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ये मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कौन सा अच्छा लगा, तो जो जल्दी बता देंगे हम उनको वो वाला मैं मेरी तरफ से मेरे व्यूअर्स को भेज दूँगा। सो आई एम टेकिंग दिस 1, 2, 3, 4, 5 and 6, दिस 3 और मे बी द 7th one, दिस वन इज़ फॉर माई हाउस। आई विल टेल यू कि मैंने इसमें कौन से प्लांट्स और कैसे लगाए।
एंड मीन टाइम यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. आप बताइए आपको अच्छा लगा तो आई विल सेंड इट टू यू. मैं कोरियर करूँगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, ऑल राइट. अगर बहुत दूर होंगे, कोरियर नहीं जा रहा होगा, देन केस इज डिफरेंट. आई एम सो सॉरी, मैंने आपको होल्ड पे किया. अब मुझे बता दीजिए आगे प्रोडक्ट. ये बताइए, एक ये आता है फाउंटेन. अच्छा, मैं एक दिखा देता हूँ उसको खोलकर. अच्छा, ये क्या इसमें मोटराइज्ड फाउंटेन है? मोटर लगेगी इसमें? नहीं. अच्छा, ये सकलेंट्स प्लांटर लगेंगे इसमें. ओह ओके, सुपर. ये आपका 299 की रेंज में. अरे, हम ये बहुत दिन से ढूंढ रहे थे ऐसा. दिस इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है. इसमें छोटे-छोटे सकलेंट्स लगेंगे इधर इधर इधर. ऑल राइट, इनका हम मेकिंग वीडियो किया देखा करते थे दूसरे कंट्रीज में, तो ये हमें मालूम नहीं है कहाँ मिलते हैं. अच्छा, ये क्या मटेरियल है? ये आपका फाइबर होता है. अच्छा, ये फाइबर है. वो भी फाइबर है सारे? ये भी फाइबर है. ओके, ठीक है ठीक है. ये कितने का है? ये 299 की रेंज में आता है. अच्छा, अब आप मुझे ना लालच दे रहे हैं. ठीक है, ओके. आई विल सी, आई एम नॉट श्योर आई एम बाइंग दैट बिकॉज इट्स टू बिग टू सेंड. वो भेजने के लिए बहुत बड़ा होगा, बट आई एम बाइंग दीज टू, दीज 5-6 लिटिल वंस. ओके, और ये मुझे दिखा दीजिए कि ये भी मैं दिखा देता हूँ. ओके, ये बच्चे के शेप में ऐसे ही दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए. ओके, ये सारे आउटडोर में रखे जा सकते हैं? हाँ, जितने भी फाइबर के आप दिखा रहे हैं. हाँ, ये कितने का है? ये भी आपका 299 की रेंज में आता है. ऑल राइट, एक ये वाली डॉल है हमारे पास, बास्केट वाली. अच्छा, ये 99 की रेंज में आता है. जस्ट फॉर 99 रुपीज, बहुत सस्ता है ये भी. ठीक है, यहाँ पे हमने ये सारे देख लिए, ये हमने देख लिए. अब हमें एक बार ऐसे और जाना होगा क्योंकि हमने बड़े प्लांटर्स मिस कर दिए हैं. हाँ, असल ये मुझे बता दीजिए ये कितने कितने के हैं ये वाले? ये आपके लाइक दिस ब्राउन वन 800 के आसपास का होगा. ठीक है, एंड दैट वाइट वन 1000. ओके, वाइट वाला कितने का होगा? ये उसी रेंज में, 1000 की रेंज में. ठीक है, दिस ग्रे वन, ये वाला, ये सेम है. ओके, सेम रेट. इनका डेप्थ मैं बता दूं बेसिकली, आई डोंट नो वीडियो में इतना क्लियर है कि नहीं. दिस इज अराउंड 20 इंचेस होगा. हाँ, ठीक है. एंड दिस ग्रीन एंड येलो, ये क्या रेंज में होंगे? ये भी आपका लगभग उसी रेंज में. अच्छा, ठीक है. ये बहुत यूनिक चीज़ है. हाँ, स्पेशली इसका एक बड़ा पीस है. हाँ, ये बड़ा तो पीस है इसका. आप इसको उठा के दिखा सकते हैं मुझे? क्योंकि लोगों को इसकी अंदाज़ा नहीं हो रहा है बेसिकली. इफ़ यू कैन डू इट, ठीक है. रहने दीजिए, बहुत भारी है तो. ओके ओके, आई एम सो सॉरी. कोई बात नहीं. ये देखिए कितना बड़ा है ये. मैं एक्चुअली आपके पास, मतलब आपसे इसलिए उठवाया था ताकि आपकी हाइट से ना इसका एक कंपैरिजन हो सके कि कितना बड़ा है. कोई बात नहीं. ये कितना है, कितनी डेप्थ है इसकी? ये अराउंड 25-26. वाओ, वेरी नाइस. ये कितने का है सर? ये सर आपका 3000 की रेंज में आता है. ओके, ठीक है. और ये ब्लू वाला कितने का है? ये भी समथिंग उसी रेंज में है, थोड़ा सा ऊपर नीचे. अच्छा, हाँ, ये जो फिगर आइडिया नहीं है. अच्छा, ये जो फिगर है ये कितने का है? ये फिगर इसका भी मुझे आइडिया. अच्छा, ये अराउंड, मैंने क्योंकि अपने घर के लिए अभी पूछा था फैजान भाई को, तो ही सेइंग अराउंड 2000 के आसपास है ना? जो भी है. अच्छा, ओके, एप्पर है. हाँ, सारे चीजों का राइट राइट, इम्पॉसिबल भी है. आई नो, वी गो टू अदर साइड नाउ. इस तरफ तो हम जा ही नहीं सकते. जी जी, बहुत सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है. ओके, ओह ओके. ओवरऑल एक व्यू दे देते हैं इन केस किसी को देखना हो तो. ठीक है, एंड वी देयर वी गो. ये बीच में हम कट कर रहे हैं. दिस इज हाउ इट गोज. हाँ, इसकी पैकिंग ऐसे होती है. ठीक है, आपकी कंपनी की स्टैंपिंग है और ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है पूरा. ये प्रॉपर पैकिंग ऐसे होती है, ये सेफ एंड सिक्योर्ड. चलिए उस तरफ चलते हैं अभी. ठीक है, सो अर्सलन आप दूसरी साइड आ गए हम इसके, है ना? तो यहाँ पे क्या क्या है बताइए. मैंने फ्लैश ऑन किया बिकॉज थोड़ा अंधेरा था. ये टर्टल है. ओके, ये आपका आ जाता है 89 की रेंज में. 89 रुपीस. जी ठीक है, एक ये बहुत अच्छा है कैक्टस शेप में. ये कैक्टस शेप में है. ये आपका अराउंड 58 या 68 ऐसे अप्रोक्सीमेटली. अच्छा, इसका मुझे कंफर्म नहीं है. ऑलराइट, ठीक है ठीक है. ये कॉन्च है, शंख के शेप में है ये. जी, ये कितने क्या रेंज में होगा? ये आपका 78 की रेंज में. ओके ठीक है, और इस तरफ जो हमारे पास है, हम क्विकली इनको भी देखते चले जाते हैं. हाँ, ये स्क्वायर शेप में जो यहाँ रखे हुए नीचे सारे के सारे, प्लीज़ डू नॉट कंपेयर. मैं फिर से बता रहा हूँ. हाँ, कि हमें फैजान भाई ने बता दिया था कि इनका जो रिजेक्टेड पीस है जी, वो रोड साइड मिल जाता है. हाँ, वो रोड साइड. तो प्लीज़ उसके प्राइस से इसके प्राइस को कंपेयर ना करें, क्योंकि वो 20-30-40-50-100 रुपये में बेचते हैं. आई डोंट नो यहाँ क्या प्राइस है. ये क्या है? ये ए क्वालिटी का है, है ना? ये कितने का है? ये आपका 78 की रेंज में आता है. ओके, तो इतने में तो सेकंड वो लोग देते ही हैं सेकंड का माल. ठीक है, और ये छोटा वाला कितने का है? ये आपका आता है 32 रुपीज़ की रेंज में. और पीछे जो रखे हैं वो?
ये वाले आपके आ जाते हैं 99 की रेंज में। अच्छा तो वाह वेरी नाइस। ये देखिए इसका एलिगेंस है, देखिए ये जो डिजाइन होता है इसको आरडी बोलते हैं। आरडी आरडी अच्छा ये जो डिजाइन है इसका नाम आरडी है। ओके कोई अच्छा आरडी डिजाइन बोलते हैं इसको। बहुत ही प्यारा डिजाइन है। देखिए आपने वहां से हटाया ना ग्रुप में से तो उसकी एक्चुअली ब्यूटी पता चली गई, कितना खूबसूरत पीस है ये। ठीक है यहाँ पे कुछ और पीसेज हैं, ये क्या रेंज के हैं? ये आपका आ जाता है 129 की रेंज में। अच्छा एंड दीज कलरफुल वंस, ये वाला आपका आ जाता है, ये टू पीस का सेट है। अच्छा ये अराउंड 149 का है। ओके ठीक है एंड ये रेड वाला क्या रेंज में? ये वाला इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है विल चेक, नो इश्यूज नो इश्यूज, होता है इतने सारे प्रोडक्ट का याद रखना इम्पॉसिबल होता है। ये सेट ऑफ थ्री है, ये कितने का है ये वाला? इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। ओके विल चेक नो इश्यूज, हम नो वन चेक कर लेंगे। ये देखिए बाकी सब ऐप पर है, ऐप पर सारे रेट हैं। ये छोटे छोटे भी प्लांटर्स हैं जी? ओके इंडिविजुअल प्लांटर्स हैं ये सारे। ठीक है ये सारे प्लांटर्स हैं जो हम देख लेते हैं। ये मग्स पे आ गए भी हम प्लांटर से हटे, और ये अब कुछ मग्स हैं शायद यहाँ पे? नहीं ये भी प्लांटर्स हैं। ओके एक मुझे दिखाइए, इंडियन फ्लैग जैसा लग रहा है ये। हाँ इंडियन फ्लैग है। ओह ऑलराइट दिस इज कॉल्ड वोकल फॉर लोकल, हाँ वी शुड प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स, दिस इज हाउ इट इज, वेरी नाइस। ये कितने का है? ये आपका 48 की रेंज में आ जाता है। ओके ये अभी लॉन्च हुआ है क्या ये? हाँ अच्छा थोड़ा टाइम हो गया। ठीक है ये भी सेम रेंज में? ये सेम है बस कलर का डिफरेंट। ओके अब जब हम आसन जब हम मेकिंग देख रहे थे इनका तो उसमें ना सिंगल शीट की एक ग्लेज चढ़ा रहे थे और उसको बेक कर रहे थे, तो क्या ये बाद में उसको कलर किया जाता है फिर ब्रश से? इसका ऐसा होता है उसी टाइम पर ये तीन कलर से ग्लेज किया जाता है। अच्छा ये ब्रश से किया जाता है। अच्छा 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 वो तो हम साथ के साथ डुबो रहे थे राइट बाल्टी में राइट, ये ब्रश से किया जाता है। ओके तो थोड़ा वर्कमैनशिप ज्यादा होगा। ये प्लांटर्स बहुत अच्छे हैं ब्राउन कलर के, आप टेबल पे रख सकते हैं अपने वर्क स्टेशन पे। ये देखिए साफ होने के बाद कितना अच्छा दिखता है ये। ये क्या रेंज में? ये आपका 68 की रेंज में आ जाता है। ठीक है और ये क्या रेंज में डक्स? ये डक्स भी आपकी 68 की रेंज में आ जाती है। ठीक है वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे टर्टल्स हैं, ये क्या रेंज में? ये आपका 78 की रेंज में आ जाएगा। एंड दीज वंस, ये वाले? ये आपका 68 की रेंज में। ठीक है वी गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। चले एक ये है ब्राउन कलर का। ठीक है ये थोड़ा हांडी शेप में है। हाँ ये हांडी शेप में है। ये कितने का है? ये अप्रोक्स 129। ठीक है एंड दिस वन, ये वाला जो दिख रहा है ये कितने का अप्रोक्सीमेटली? ये आपका 99 समथिंग। एंड दिस वन ये 78। ओके ठीक है और पीछे जो रखे हुए हैं वो वाले हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ये देखिए कितना सारा सामान रखा हुआ है। ओके आई एम सो सॉरी। ऑलराइट सो ये देखिए ये यहाँ पे कुछ और वहाँ पे भी कुछ प्लांटर्स रखे हैं पीछे, वो क्या रेंज के हैं वो वाले? वो स्मॉल वाले वो आपके 32 की रेंज में आते हैं। एंड दीज वंस, ये वाले? ये आपके 48 की रेंज में आते हैं। अच्छा वो 58 की रेंज में आता है फ्रॉग वाला। ठीक है वहाँ पे भी कुछ अच्छा रखा है, बड़े बड़े मग्स रखे हैं क्या? वो मग शेप के प्लांटर्स हैं क्या वहाँ पे? प्लांटर्स हैं वो। अच्छा वो क्या रेंज के होंगे जो व्हाइट वाले हैं ये जो अभी मेरे फिंगर टिप पे? वो व्हाइट वाले आपके 129। अच्छा आई एम सो सॉरी, आप मुझे वो हार्ट शेप का एक दो निकाल के दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता हूँ प्लीज। ठीक है मैं पॉज करता हूँ जी, बार देख लो। श्योर श्योर आप इसका एक अप्रॉक्सीमेट मुझे प्राइस दे दीजिएगा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा था। अच्छा ये टू पीस का सेट होता है। अच्छा मेरे ख्याल से ये 99 की रेंज में होगा अप्रॉक्सीमेट। ये दिखाइए मुझे, ये मैं इसकी क्वालिटी चेक कर रहा था। जनरली जो बी ग्रेड के होते हैं ना उनमें क्रैक्स होते हैं और चिपिंग होती है। ठीक है एक मिनट आप पकड़िए जरा इसको, मैं जरा जूम करके और थोड़ा क्लियर बता रहा था। ये देखिए ये फर्क होता है ये कि वर्कमैनशिप में फर्क होता है। आप जो अगर आप लो क्वालिटी में जाएंगे तो उनमें ब्रश के निशान होंगे अंदर, है ना। इनकेस अगर आपने मिट्टी कम डाली है तो ब्रश के निशान दिखते हैं। ये देखिए पूरा एक ही साथ में है, ये 99 रुपीज का एक पीस है का ये सेट है। ठीक है एक वो बड़ा वाला है ना वो कप शेप में कि प्लांटर है वो वाला वो जो वहाँ पे ये ब्लू वाला जी ब्लू के आगे नहीं व्हाइट वाला जो है व्हाइट वाला हाँ जी हाँ जी वो आपका प्लांटर है। कप शेप में है क्या वो? नहीं, नहीं ना प्लांटर नहीं, है वो क्या रेंज में? वो आपका 129 की रेंज में आता है। ठीक है आई एम सो सॉरी यहाँ पे फैन भी नहीं है हमारे पास जी। ओके ये टर्टल मुझे बता दीजिए कितने का है? टर्टल वही है जो मैंने अभी बताया था उस तरफ से हमने देखा था 89 की रेंज में। ठीक है कुछ टूट गया देखिए मेरे हाथ पे कोई बात। एक ये बता दीजिए मुझे ये अप्रोक्सीमेटली 99 समथिंग। अच्छा ठीक है और ये कुछ हमारे पास
प्लांटर्स और हैं, हाँ, ये हमने अभी देखे थे वहाँ से, हाँ, ये अभी उधर से देखे थे हमने। ओके, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मुझसे मिस आउट हो गए होंगे। इफ़ यू हैव नॉट, अच्छा, ओ वो क्या रेंज के हैं सारे? ये वाला बाल्टी सेट बोलते हैं इसको, 3 पीस का सेट है। हाँ, ये कितने का है? 234। अच्छा, 234 का है ये। ओके ठीक है, हम लोग अब उस तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। ओके, ये वाले क्या रेंज में? ये आपका समथिंग 199। अच्छा, और ये आपका आ जाता है 149। ओके ठीक है, मतलब मेरे, हालांकि सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, हाँ। मुझे ज़्यादातर प्लेन एंड सिंपल अच्छे लगते हैं, तो मैं वो लेता हूँ, पर ये भी अच्छे लगते हैं, कुछ लोग इसमें ग्रास उगा सकते हैं जी। और ये सिंपल एंड सिंपल, हाँ, वाले हैं ये, हाँ। ये क्या रेंज में? ब्लू वाला, ब्लू एंड वाइट ग्रीन, ये आपका 178। अच्छा, और ये आपका 199 की रेंज में आता है। ठीक है, ऑल राइट। और सर्कुलेंस के लिए फेमस ट्रे है ये, आजकल, हाँ, बहुत बिकती है ये, हाँ। इसमें आप पूरा का पूरा एक अपना गार्डन बना सकते हैं। ये क्या रेंज में? ये आपकी 199 की रेंज में आता है। ठीक है, एक पीस है, मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप इनको निकाल के दिखा दें, हाँ, क्योंकि ऐसे आइडिया नहीं होता इसका। नहीं, ये वाला सर, डक वाला बताइए। अच्छा, जी जी ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। वाह, थोड़ा गंदा हो रहा है की वजह से। ओके ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा पीस है ये, बहुत अच्छा है ये, है ना? वेरी नाइस। ये कितने का है? ये आपका 149 समथिंग। ठीक है, आप मुझे एक ये वाला भी दे दीजिएगा जी। ठीक, इसमें ब्राउन अच्छा है या वाइट? आई एम नॉट श्योर, इसके कलर्स अवेलेबल मैं देखता हूँ। ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है डक में, ब्राउन है, एक ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, एक वाइट है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक मेरे घर पे ग्रास है तो वाइट विल लुक नाइस। ओके, है ना, ये आप मुझे दिखा दीजिए जरा जी। ओ वाह, ये कैसे क्रिएट किया जाता है जो डिज़ाइन है इसके ऊपर? ये वाला ग्लेज के टाइम ही होता है। अच्छा, हाँ, जो पहले हमने ये ऑरेंज वाला किया था इतने हिस्से में, अच्छा, उसके बाद में ये वाइट वाला किया है। ओके, तो ऐसा होता है, डबल ग्लेज जो होती है उस पर डबल ग्लेज अपने आप को लेता नहीं है वो। अच्छा, ओके, तो वो ऑरेंज वाला पार्ट छोड़ देता वो है। छोड़ देता है। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस पीस। ये वाला ब्राउन या वाइट में से, हाँ, हम एक ले लेंगे इसमें से। ठीक है, ठीक है, ये कितने का बताया आपने? अप्रोक्सीमेटली 149। 149 का, ठीक है। आई थिंक अब दुनिया का सबसे छोटा, ओके नो प्रॉब्लम, सबसे छोटी चीज़ हम देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फॉर, ये क्या है? गार्डन मिनिएचर है। ओह, ये हमारे पास और भी हैं क्या? हाँ, काफ़ी सारे हैं। अच्छा, ये मुझे दिखाइए जरा, यहाँ रख के एक, ये देखिए ये, ओके, ये छोटा सा है, मतलब लगभग 1 इंच के आसपास होगा ये। हाँ, ओके, ये कितने का होगा? ये आपका 16 रुपये की रेंज में आता है। अच्छा, इनको फिश टैंक में भी लगा सकते हैं? हाँ, एक्वेरियम में। ये एक हट होता है ये। अच्छा, और भी मेरे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। ये कितने का होगा? ये सेम रेट है। ठीक है, 16 रुपये की रेंज में आते हैं। और देख लेते हैं अगर हमें मिल जाते हैं। हाँ, ठीक है। एक ये काऊ है हमारे पास, लुक एट दिस, सो नाइस, बहुत ही बढ़िया है ये भी। ये कितने की है? ये आपकी वही 16 रुपये की रेंज में आता है। 16 रुपये इसकी, ठीक है। एंड दी नेक्स्ट वन, ये देखिए, ये काट है बेसिकली, ये गार्डन काट है। ये कितने, हाँ, का है? ये आपका 58 की रेंज में आता है। 58 रुपीज़, 58 रुपये का है ये। यहाँ पे कुछ बॉटल शेप में है, हाँ, फिर उसके बाद में कुछ ट्रेज हैं जी, राइट जी, ओके, और यहाँ पे कुछ और ट्रेज भी हैं, हाँ, ओके। सो दिस इज़ दी वाइट कलर वन, जो क्वालिटी अप्रूव्ड है, वो जो टूट गया था वो रिजेक्ट हो गया है, हाँ। ठीक है, हम और देखते हैं बाहर क्या क्या। ओके, अब हम देख रहे हैं ये फिश है, हाँ, ये हाफ फिश। ओके, इसके ऊपर आप छोटा सा कोई भी सैक्युलेंस लगा लें या ग्रास लगा सकते हैं इसके ऊपर, है ना, बहुत प्यारा है ये। ये क्या रेंज का है? ये अप्रॉक्स 68 की रेंज में। ओके ठीक है, ठीक है। और ये देखिए, ये एक और है दूसरा, ठीक है, ये स्क्वायर शेप में है, इसमें आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारा स्पेस मिलता है इसमें जी। डायमंड शेप बोलते हैं आप इसको, ठीक है। इसमें ब्लू है, और कौन सा कलर है? ब्लू है, येलो है, अच्छा, इसमें ग्रीन है। ओके ठीक है, ठीक है, और क्या है इसके अंदर? अभी फिलहाल तो यही एक पर्पल और है, ये दिखा दी, हाँ, वायलेट कलर और है, हाँ। ओके, ये सो ये चार कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं जी। ये क्या रेंज में सारे के सारे? ये आपका 99 की रेंज में आता है। ओके ठीक है, ऑलराइट। सो अब हम जा रहे हैं थर्ड फोर्थ, ये यहाँ पे कुछ और पीसेस, हाँ, पड़े हुए हैं, ये मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा गंदा हो रहा है। हाँ, नहीं, ये स्माइली फेस, स्माइली। ओके, ये क्या रेंज में? ये आपका 68 की रेंज में आता है। ओके, ये बॉल शेप में, ग्रास के लिए बहुत अच्छा है ये। ओके, और वो मैं शूज भी दिखा देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। शूज है, अच्छा, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन कलर है मेरे पास। ओके,
ये भी ग्रास के लिए बहुत अच्छा होता है जब इसमें ग्रास ऐसे चलती है ना, तो इट लुक्स वेरी नाइस। बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है, बहुत प्यारा है। ये कितने का है? ये आपका 68 की रेंज में आता है। ठीक है, वो वाला दिखा दीजिए मुझे। ओके, ये इधर ना आ जाए, वो इधर घुमा देता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसलिए कह रहा था कि वो उधर से रॉ दिख रहा है, अभी हम दिखाएंगे, पर थोड़ा रुक के दिखाएंगे वो। ठीक है, ये ब्लू कलर का कैक्टस में है ना? हाँ। ओके, हमने अभी ग्रीन देखा था ना अंदर इसका, नहीं वो येलो, नहीं, देखा, येलो देखा था, वो छोटा था। अच्छा, ये उससे बड़ा है? ये बड़ा है उससे। ओके, अच्छा, इधर से इसमें इसका कोई सिर्फ शेप की वजह है कि यहाँ पे कुछ प्लांटर का कोई स्कोप नहीं है ना, सिर्फ लुक की वजह से? हाँ, बस लुक की वजह है। ओके, ये कितने का है? ये आपका 149 की रेंज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी। एक ये ओवल शेप में आता है। ठीक है, अच्छा, ये भी सक्यूलेंस ग्रासेस किसी भी प्लांट के लिए है? क्या रेंज में? ये आपका 99 की रेंज में आता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं, वाइट कार्ड भी है हमारे पास इसमें, शूज भी बहुत सारे पीछे पड़े हुए हैं। कैक्टस देखिए कितने सारे हैं इसके। ओ गॉड, ये देखिए पिंक कलर में शूज है, ग्रे कलर है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ येलो प्लांटर्स हैं। ये क्या रेंज में? ये आपके 199 की रेंज में, टू पीस का सेट, 199 में दो। ठीक है, और ये कुछ व्हाइट वाले हैं, ये क्या रेंज में? ये आपका अप्रोक्स 129 की रेंज में। ओके, और ये छोटे वाले? ये छोटे छोटे मिनिएचर्स हैं। अच्छा, ये आपके 25 रुपए वाली रेंज में आते हैं। ये रैबिट हो गया, ये टर्टल हो गया। अच्छा, ये स्वान हो गई। ओके, सो क्यूट। इनके अंदर कौन से प्लांट्स उग सकते हैं? ये छोटे छोटे सकलेंट्स। अच्छा, वैसे तो ये गार्डन मिनिएचर हैं, आप सकलेंट्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, और बिना किसी सकुलेंट के भी आप ऐसे रख सकते हैं? हाँ, इनको है ना? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ मेकिंग का पीछे देखिए काम चल रहा है। हाँ, ना जो हमने अभी फैक्ट्री में वहाँ पे देखा था, वहाँ पे जो होता है सेम प्रोसेस यहाँ? हाँ, पे सेम प्रोसेस यहाँ पर है। अच्छा, ठीक है, वील चेक आउट, उधर भी चलते हैं। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे ये आपकी हैंगिंग बर्ड हैंग होती है। अच्छा, ये हैंग हो जाती है, तो वो प्रोविजन आप देते हैं क्या हैंग करने का साथ में? वो हर किसी के साथ नहीं आता। अच्छा, हाँ, किसी किसी पीस के साथ है। ये कितने का है? ये आपका आ जाता है 68 की रेंज में। ओके, ठीक है, अब बैठ जाते हैं हम लोग। ये वाले प्लांटर्स मुझे बता दीजिए, ये क्या रेंज में? ये वाला ग्रीन वाला? ये वाला आपका 68 की रेंज में आता है। ठीक है, ठीक है, एंड दिस ये चेस्ट डिजाइन है। वेरी नाइस, क्या कलर है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये कितने का है? ये आपका 58 की रेंज में आता है। ओके, और ये मटकी पड़ी हुई है, ये क्या रेंज में? ये छोटी छोटी मटकी हैं, ये आपके 32 की रेंज में आती हैं। और एंड दैट डायमंड जो शेप में, वो कितने का? ये वाला आपका ये 48 की रेंज में आता है। ओके, ठीक है, ठीक है, आप भी थक गए होंगे ना बताते हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, यू कैन ऑलवेज चेक ऑनलाइन। ये आउल है हमारा, एक आउल और एक फ्रॉग और जरूर मुझे दिखा दीजिएगा। ओके, ये क्या रेंज में? ये आपका अप्रोक्स 48 या समथिंग 50 के आसपास होगा। ठीक है, एक फ्रॉग और दिखा दीजिए मुझे। एक ये फ्रॉग। ओके, ये थोड़ा रिजेक्ट। अच्छा, ये रिजेक्टेड पीस है, और इसका फ्रेश मिल जाएगा ना हमें? ओके, नहीं मतलब बाद में मिल जाएगा। हाँ, बाद में मिल जाएगा, अभी मैं और दिखा देता हूँ फ्रेश। ओके, ठीक है, इसमें ये दो तीन कलर आते हैं, ये मिक्सिंग कलर है। ये कितने का है? ये आपका 99 की रेंज में आता है। ठीक है, ठीक है, तो काफ़ी सारा चीज़ें ऐसी होंगी ना यहाँ पे जो ये, क्योंकि सब एक साथ रहते हैं तो बहुत सारा पीस रिजेक्ट हो जाता होगा। जी जी जी। ओके, और जब आप प्रोडक्ट को पैक करते हैं बेसिकली, तो आप एक बार चेक कर लेते होंगे कि क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं। बिल्कुल, ठीक है, ये सारा हमने वहाँ लकी फैक्ट्री में भी देखा था। हाँ, कि ये कैसे बनता है जी। ये नेक्स्ट, ये बुद्धा का हमने फाइनल हमारे पास मिला नहीं है, किसी का ऑर्डर का है क्या ये? हाँ, ये ऑर्डर का है। अच्छा, देखिए यहाँ पे रॉ में आपको दिखा रहे हैं अभी कुछ बुद्धा हेड्स हैं, वहाँ पे कुछ काव है बड़ा वाला, एंड देन यू कैन सी सम मोर प्लांटर्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है हमारे पास अभी यहाँ पे? अभी यहाँ तो बस फिलहाल इतना ही है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी भी है, हमने काफ़ी कुछ दिखा दिया हमारे व्यूअर्स को। एक काम करते हैं, आइटम ऐसे भी हैं जो अभी रह गए हैं। अच्छा, तो लेकिन ऐप के ऊपर फोटो है ना उनके ऊपर? सारा है, ठीक है, सारा अवेलेबल स्टॉक है। ऑलराइट, सो व्हाट आई सजेस्ट नाउ, अभी हम क्या करते हैं, फैजान के पास चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि ये कैसे परचेज करना है। राइट, ओके, चलिए, थैंक यू। ओके, तो बिफोर वी वाइंड अप, अभी हम फैजान भाई से बात करेंगे। आसलन, ये जगह और यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट्स आपने रखे थे, हम इंसिस्ट करेंगे। डिफ्यूजर्स रखे हुए हैं। अच्छा, तो क्विकली मुझे यहाँ का भी बता दीजिए क्या क्या है यहाँ पे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ये ऑयल के लिए जगह होती है? डिफ्यूजर के लिए जगह होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक है? हाँ, थोड़ा गंदा हो रहा है। नो प्रॉब्लम, वो मिट्टी होती है यहाँ पे। और इसको अच्छा वायर लगा के इसके अंदर हीटिंग का लगा देते हैं।
ठीक है, ये कुछ विद फिटिंग मिलता है। ये कितने, अच्छा विद फिटिंग है ये जी? कितने का? 138। अच्छा वेरी नाइस, 138 रुपीज़। ये छोटे छोटे जो है ये क्या रेंज? ये आपका कैंडल डिफ्यूजर है। आई नो यू हैव टू गो, मेरे को मालूम है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। कैंडल डिफ्यूजर्स कितने कितने रेंज के हैं ये? ये आपके 18 रुपीज, 22 रुपीज, 26। अच्छा मिक्स है इसमें। अच्छा ये वाला, ये ग्रीन वाला, ये क्या रेंज का है? ये हाँ अंदाज से सर, अप्रोक्सीमेटली 38 समथिंग। अच्छा ठीक है, विल चेक। प्राइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एंड ये सब क्या चीज़ें यहाँ रखे हैं? ये भी कैंडल डिफ्यूजर है। ओके चलिए, ओवरऑल एक लुक दे देते हैं हम। ये सारे के सारे डिफ्यूजर्स हैं जी। मिनिमम से मिनिमम का क्या रेंज है इसका मुझे बता दीजिए? डिफ्यूजर्स कितने के हैं मिनिमम, छोटे से छोटा? छोटे से छोटा आपका 124 से स्टार्ट है। अच्छा, और एक ये येलो कलर में क्या है? ये मग है। अच्छा ओके ओके, टूटा तो नहीं? नहीं। ओके ठीक है, ये मिल्क मग है। अरे वाह, स्माइली वाला जी। ओके वेरी नाइस, ये कितने रेंज में ये मग? ये 118। और ये स्माइल, ये जोकर वाला? हाँ ये सेम रेट है, 180। 118 ठीक है। ये भी मग्स हैं? हाँ, ये भी, ये कुछ डिफ्यूजर्स हैं भी उसी रेंज में। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ और डिफ्यूजर्स हैं, कुछ मग्स हैं यहाँ पे, ये देखते जाइए क्या। ये देखिए, ये सब के सब मग्स हैं यहाँ पे। कुछ फैब्रिक का भी सामान है? हाँ। सॉरी फैब्रिक कह रहा हूँ, फाइबर का? फाइबर जी। ऑल राइट, सो ये ऐसे क्या पार्सल दिए, क्या पैक होने के लिए रखे हैं कि ये रिजेक्टेड है? नहीं, ये रिजेक्टेड है। अच्छा ओके, सो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखिए ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है। जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट्स की यहाँ पे सॉर्टिंग होती है जी। ए ग्रेड आप यहाँ रख लेते हैं, जैसे वहाँ कुछ मग्स रखे हैं रेड वाले। हाँ। और उसके बाद में रिजेक्टेड पीसेज होते हैं जो निकाल दिए गए हैं, जो लोग ले लेते हैं इनको। हाँ। और रोड साइड की दुकान पे मिल जाते हैं, वो सारे रैग में लगे हुए। अच्छा ओके, सो यहाँ पे बेसिकली सॉर्टिंग होती है जी, है ना जी? ठीक है, तो ये जो है फिर हमको रोड साइड मिल जाते हैं यहाँ से निकलने। हाँ। के बाद में, क्योंकि वेस्ट पर नहीं होता हम है। ये देते नहीं है। अच्छा आप नहीं देते? हाँ, हम तोड़ देते हैं। अच्छा पर देते नहीं है। ओ आपके यहाँ से नहीं जाते जी, बाहर ठीक है। ऑल राइट, मुझे ना ये दिखा दीजिए, ये प्लेट जो है। हाँ। ये वाह, ये सब क्रॉकरी में आता है। इस तरफ लाइट में दिखा दे, वेरी नाइस। ये पीस कम क्यों है, क्रॉकरी हमारे पास अभी ज़्यादा क्यों नहीं है? सर उसका लॉकडाउन के बाद से प्रोडक्शन थोड़ा डाउन है। अच्छा ओके ओके ठीक है, ये एक तरह का प्लेटर है और वर्कर्स भी थोड़े उधर थे। हाँ की तरफ के, तो वो सब लोग चले गए थे। ठीक है, इसलिए थोड़ा डाउन हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास कुछ और मटेरियल है। भैया वो एक दो ट्रे दिखा दीजिए मुझे, ग्रीन एंड ऑलिव, ये वाली, यही वाली। हाँ ये दिखा दीजिए, ऑलिव ग्रीन है ये। ये किस कलर, ये कितने कितने के? ये आपका आ जाता है लगभग 78-80 की रेंज में। अच्छा, ये आपका 129 की रेंज में। ओके ठीक है ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। एक वो स्क्वायर शेप का ट्रे है, वो भी मुझे दिखा दीजिए, वो दिखा दियो चोकोर वाली। और एक ये प्लांटर है, ये मुझे दिखा दीजिए, हैंगिंग प्लांटर है। अच्छा ये हैंगिंग है। हाँ। पहले हम ये ट्रे देख लें ताकि आपके हाथ दोनों बिजी हो गए। अच्छा ये अभी रिजेक्टेड में जाएगा? रिजेक्टेड है। अच्छा इसका फ्रेश मिल जाएगा? हाँ अभी कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। ओके ये कितने का? ये आपका 89 की रेंज में। अच्छा और ये दिखा दीजिए मुझे। ओह नाइस, इसको हैंगिंग भी कर सकते हैं, फ्लोर पे भी रख सकते हैं इसको, है ना? हाँ। ओके ये क्या रेंज में? ये आपका 199 की रेंज में। ठीक है, और जो अभी आपने मुझे प्लेटर दिखाया था वो क्या रेंज में था? उसका मुझे आइडिया नहीं। अच्छा अभी वो क्योंकि बना नहीं है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे स्टोन वाला भी है, ट्रे भी है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे भी का भी एंड कर दिया। अब हम चलते हैं फैजान से बात कर लेते हैं हम लोग, इनको कैसे परचेज करना है। जी ठीक है जी, ओके शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ गार्डन एक्सेसरीज हैं जो लोग छोटे छोटे में रखते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, हम हर बार सोचते हैं कि एंड हो गया लेकिन शुरू हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट है, टर्टल है, ओ स्वान है। ओके कितना बड़ा कलेक्शन है भाई। ओके ये क्या है, ये कौन सा एनिमल है? ये एलिफेंट। एलिफेंट है, थोड़ा सा इस तरफ रखिएगा प्लीज, शुक्रिया। ये क्या है, गाय का बच्चा है? हिरन है। ओके और भी कुछ है? अच्छा तो ये देखिए इतने सारे आपके गार्डन के बीच में एक चीज़ है। हाँ आपने पहले दिखा दिए थे हमको, क्या चीज़ है बताइए? अच्छा ठीक है, ये सारे के सारे क्या रेंज में गार्डन के एक्सेसरीज के लिए? ये आपके 16 रुपये की रेंज में आते हैं। ओके इनको लगाने का तरीका भी बता देते हैं जल्दी से, मुझे ट्रे दे दीजिए।
मैं बता देता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि इनको कैसे यूज़ करना होता है, कि जब भी आप ट्रे में कोई बोनसाई या कोई प्लांट लगाते हैं तो ये उसके नीचे रख सकते हैं इसको। आई होप माई वॉइस इज़ ऑडिबल बिकॉज आई हैव रिमूव द माइक। ये देखिए, जब भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लांट लगाया और ये नीचे ऐसे रख सकते हैं इनको, है ना। और जिनके घर में फ़िश एक्वेरियम है वो लोग इनको फ़िश एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। एंड दिस विल कॉस्ट कितने का ये? 16। ठीक है। और ये मूव ना हो इसके लिए आप नीचे एक स्टिक लगा दीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए और ये इसको प्रेस कर दीजिए, ये मूव नहीं करेगा। 16 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। सो फैजान भाई, वी हैव सीन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ मतलब आप तो नहीं थके होंगे लेकिन मैं थक गया चलते चलते। सो यू हैव अ ह्यूज रेंज जो अभी हमने प्रोडक्ट देखे, फिर भी हम सारे एक्सप्लोर नहीं कर पाए एक्चुअली। देखिए, सारे प्रोडक्ट्स देखना तो इम्पॉसिबल है जी, और हमारे पास करीब प्रोडक्ट रेंज 2000 से भी अबव है। ओके। और हर प्रोडक्ट हमेशा स्टॉक में नहीं रहता है, वो हम उसे बनाते रहते हैं। ठीक बात है। जैसे जैसे ऑर्डर बेसिस पे हमें लगता है हम उसको राउंड अप करते रहते हैं। राइट, सो नाउ द एक्साइटमेंट लेवल हैज गॉन अप। यस, आई एम इंटरेस्टेड, सो आर द व्यूअर्स, दे वांट टू नो हाउ टू शॉप। यस, कैसे खरीद सकते हैं वो मुझे प्रोसीजर बताइए। एक्चुअली देखिए, होलसेलर्स रिटेलर्स हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं रोज, हमें हमारे पास उनके इंक्वायरीज आती हैं हमारी वेबसाइट से। अच्छा। और हमने उनके लिए एक बहुत ही इजी मेथड बनाया है कि जो हमारे पास, हम रेडी इन्वेंट्री में बहुत सारा सामान रखते हैं, हमारे पास स्टॉक में करीब अभी आप देखें तो करीब 50,000 पीसेज हमारे पास स्टॉक में रहते हैं हमेशा। ओके। मोर देन 500 डिजाइंस वी हैव इन स्टॉक राइट नाउ। ओके, लवली। ठीक है। ये राउंड अप होता रहता है, जैसे प्रोडक्ट हमारे डिस्पैच होते रहते हैं, हम नया माल हमारा क्रिएट होता रहता है। ठीक है। तो या दो प्रोसीजर आपने बताया कि या तो आपकी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं जी, या फिर हमारे पास एक हमारा इन्वेंट्री ऐप सिस्टम है। अच्छा। जिसके अंदर जो भी हमारे पास होल इन्वेंट्री हमारे स्टॉक में रहती है उसका लाइव रियल टाइम आप हमारे ऐप पे देख सकते हैं। अच्छा। उसमें जो क्वांटिटी मेंशन होती है उतना क्वांटिटी हमारे पास रखा होता है, रेट साइज प्राइस फोटो सब अपलोड सब उसके अंदर हमने मेंशन कर रखा है। तो वो क्या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है? प्ले स्टोर एंड आईफोन ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकता है, एनी यूजर कैन डाउनलोड। ओके, क्या नाम से इसको सर्च करना है? DNF सेरेमिक ई फैक्ट्री स्टोर। ओके, DNF सेरेमिक ई फैक्ट्री, हम अपने स्क्रीन पे भी दे देंगे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल। दिस इज द सेकंड वे ऑफ डूइंग इट। थर्ड वे ऑफ डूइंग इट, कैन दे डायरेक्टली टॉक टू यू ओवर व्हाट्सएप, ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, हमें डायरेक्ट हमारा नंबर है जो ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का नंबर है जी, हमारी वेबसाइट पे वो मेंशन है। ओके, वहाँ लोग कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड हो गया। और कोई ईमेलिंग वगैरह का कोई प्रोसीजर है? जी, ईमेलिंग का प्रोसेसर कोई ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम जब कोई भी जो हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो वेबसाइट पे इंक्वायरी डालता है, हमारा तो आपको ईमेल जनरेट हो जाता है, कॉल कर लेता है। ठीक है। और उनको कनेक्ट कर लेता है। अब एक चीज और मुझे बताइए कि ये जैसे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं तो ये कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब कैन आई ऑर्डर दिस, प्लेस एन ऑर्डर फॉर वन पीस टू पीस? जो अभी आइटम आप देख रहे हैं ये सब हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, किनकी क्या क्या क्वांटिटीज अवेलेबल है। 8000 का मिनिमम वैल्यू ऑर्डर हमने रखा है। अच्छा। और 8000 रुपीज में आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी क्वांटिटी में अच्छा हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई भी हमने मिनिमम क्वांटिटी की बाउंडेशन नहीं रखी है। अच्छा। और ब्रेकेज की हम श्योरिटी देते हैं। कोई भी पीस आप DNF सेरेमिक से परचेज करता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिटेलर होलसेलर, तो उसे हम रिप्लेसमेंट की वारंटी देते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट इन ट्रांजिट टूटता है तो हम उसको नेक्स्ट ऑर्डर में उसके रिप्लेसमेंट देते हैं। ओ लवली, या उसका अमाउंट। ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आई फाइंड देम रियली इंपॉर्टेंट, माय व्यूअर शुड नो इट, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर ऑफ वैल्यू हैज़ टू बी 8000 रुपीस, इट कैनॉट बी लेस देन दैट। वी कैनॉट, अनफॉर्चुनेटली वी कैनॉट प्लेस एन ऑर्डर फॉर वन पीस और टू पीस। 8000 रुपीस द मिनिमम वैल्यू ऑर्डर, द कार्ट वैल्यू शुड बी 8000 रुपीस। ओके, दिस इज द मेन थिंग क्राइटेरिया एंड यू कैन मेन क्राइटेरिया एंड यू कैन एड any product at any quantity. All right. This is the best thing that the customer wants. Okay. So, Faizan bhai, without asking you, may I propose this to all the women those who are watching this video? Yes, yes, yes. Probably they can buy aisa bulk mein khareed lein and then they can resell it in their own area. Yes. मतलब कई सारी महिलाएं जो हैं घर में रहती हैं, उनके अपना एक friend circle होता है, वो 8000 रुपए का आपसे माल खरीद लें और अपना मार्जिन जो भी उनको ठीक लगता है वो आके अपने सर्कल में दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, इज इट, दिस इज अ वेरी गुड idea to make women independent, है ना, economically independent बनाने के लिए। Actually, women's के लिए हम यही है कि सबसे बड़ी बात
उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि वो खुर्जा में मतलब बल्क में माल मंगा सकते हैं और उन्हें पर प्रोडक्ट का कम से कम 50 या 100 पीसेस का ऑर्डर देना होता था। तो हमने एक इसको एक ग्रेट मतलब एक तरह का एक अरेंजमेंट ऐसा बना दिया, अरेंजमेंट हमने ऐसा एक बना दिया है ताकि प्रोडक्ट वो बहुत इजीली परचेज करें और घर बैठे हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकें, घर बैठे हमारा पूरा मतलब हमारा डिस्प्ले रूम घूम सकें। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर ये सारे प्रोडक्ट के अगर हम एक 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 पीस लेते हैं और इसकी वैल्यू अगर 8000 बन रही है तो दिस इज पॉसिबल। नो इश्यूज इन द एनएफसी। ओके, यू कैन परचेस। आई कीप ऑन रिपीटिंग बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल वाचिंग दीज वीडियोस फ्रॉम डाउन साउथ एंड दे डोंट फैदम, दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड विद द लैंग्वेज हिंदी। सो आई कीप ऑन रिपीटिंग व्हाट फैजान भाई इज सेइंग, बेसिकली ऑर्डर वैल्यू हैज टू बी मिनिमम 8000 रुपीस एंड यू कैन चूज द पर्टिकुलर आइटम इन एनी नंबर यू वॉन्ट टू, but the value has to be minimum 8000 rupees. Yes, sure. And for the women, those who are sitting at home or those who are housewives and they want to start their own, they want to start the moment of freedom. Yes. Probably they can shop from you. Yes. And they have own their business. Yes. Right? Sure. ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने मुझे बताया। नाउ दी ब्रेकेज के बारे में जो आप कह रहे थे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आप पूरा गारंटी लेते हैं कि दिस विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड। We are giving the surety for the breakages. Okay. If the any breakage happened in our in transaction, we will give you the replacement for the product. Okay. In your next order. All right. आप कह रहे थे कि अगर कुछ भी breakage होता है, yes. तो there's a replacement warranty. This will be covered. But generally हमने packing देखा था, अभी बड़ा अच्छे से packing होता है. Generally ऐसा होता नहीं होगा. Generally होता नहीं है product कोई भी वैसे हमारे DNF ceramic से breakage होता नहीं है. ठीक है. Because our packing is very really very effective. ठीक है. All right, Faizan bhai, I think we are done with the questions. Yes. हालांकि मेरे दिमाग में एक सवाल और है, जी. जाने से पहले मैं वो एक बार पूछूंगा आपसे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस ऐसे बनते हैं कि पूरे शॉपिंग वीडियोस ही होते yes, हैं yes. क्योंकि कोई भी सवाल आपसे ज़्यादा फिर पूछने के लिए बचता नहीं है, है ना, सीधे हो जाते हैं। एक सवाल है कि हम अक्सर अपने शहरों में देखते हैं, बीट दिल्ली, गुरुग्राम और अदर सिटीज़, रोड साइड बहुत सारे सेरेमिक प्लांटर्स मिलते हैं। सो वॉट आर दोज प्रोडक्ट्स, वो इतने कैसे, वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ कैसे पहुँचते हैं वो? देखिए सर, रोड साइड की बात करें तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ प्रोडक्ट रिजेक्शन के होते हैं, जैसे हम अपना जो सेकंड कम या हमारा ख़राब माल होता है उन्हें हम उन्हें सोल्ड आउट कर देते हैं। अच्छा। और फिर वो उसको कुछ रिपेयर करके अपना उसको स्लैग बना देते हैं कि प्रोडक्ट वो बिक सके। अच्छा। लेकिन एज ए कस्टमर या कंज्यूमर उन्हें वो चीज़ फील नहीं होती और वो प्रोडक्ट वो काफ़ी कम रेट में लेकर जाते हैं। ठीक बात है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मतलब मॉल्स में एंड हाई क्वालिटी रिटेल स्टोर्स में एंड होल सेलर्स जो एंड टाइप के वो हैं यूजर्स, हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट्स, उनके लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। दो प्रॉब्लम मैंने जो फेस की थी जो हम रोड साइड प्रोडक्ट लेते हैं, एक तो उनका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर सर्कुलर है तो वो सर्कल में नहीं होता। बिल्कुल। सेकेंड, उनमें क्रैक्स एंड चिपिंग्स होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप वहाँ से लेंगे तो वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा। right. अगर आप एग्जैक्टली उसे सही तरह से देखें तो वो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहेगी। ठीक है। आप हमारे प्रोडक्ट को उससे कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन नॉट डू दैट, आई एम नॉट गोना डू दैट, डोंट वरी। एंड सेकंड इज, यहाँ खुर्जा शहर के ढेरों खाली प्लॉट्स में जी नो देर आर माउंट्स ऑफ वेस्ट, कप्स एंड मग्स एंड क्रॉकरी आइटम्स, ये सारे इतने सारे वेस्ट क्यों पड़े होते हैं बाहर सड़कों पे? सर एक्चुअली वो रिजेक्शन होता है। अच्छा। वो रिजेक्ट मटेरियल जो होता है, सिरेमिक इज नॉट द रिसाइकलेबल प्रोडक्ट। ओके। सो इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, तो ये किसी गड्ढे में भरने के काम आता है। अच्छा। या फिर इसको मतलब कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो वो किसी भी यूज का नहीं है। ओके। ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, बहुत सारे मेरे दिमाग में सवाल थे, आपने सबका मुझे रिप्लाई भी कर दिया। वी हैव सीन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग अस अराउंड, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।